यार कब से तुझे फोन लगा रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहा था? सो रहा था। तुझे पता है दुनिया में क्या चल रहा है इस वक्त? न्यूज़ देख। गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। यार कोरोना पूरा बर्बाद करके रखा है पूरे स्टूडेंट्स को, हर एक तरह से तोड़ रहा है पूरे स्टूडेंट्स को, क्या बताऊं। 10,000 से ज्यादा बच्चे इस कोविड में डिप्रेशन की वजह से मरे, अगर गिनूं तो गिनूं कैसे। इस कोरोना के काल में भी बच्चों को एग्जाम देने जाना पड़ा। मानते हैं बच्चों की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है, पर उनके परिवार वालों की, उनकी तो वीक है ना, उनके ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। कोरोना के वजह से कितने बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाए, अब उनके भविष्य का क्या, वो अपना भविष्य कैसे पूरा करेंगे। कोई हमारे बारे में भी सोचता है, कोई हमारी चीजें भी ध्यान देता है। हेलो। हाँ मैडम। हाँ शांता सुनो, अब तुम्हें शायद आने की जरूरत नहीं है। क्या काम पे नहीं आना? ये तुमने न्यूज तो सुनी होगी राइट? पर मैडम आज तो मेरी छुट्टी नहीं है ना। अरे बाबा सुन तो लो, मैं एक बोल क्या रही हूँ। हाँ तो सुनो, न्यूज में आया है कि 2-3 महीने का लॉकडाउन लगने वाला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान लॉकडाउन। तो मैडम कब आऊं? पर तुमने न्यूज नहीं देखा? नहीं मैडम, मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैंने नहीं देखा। मैं बता रही हूँ ना, सुनो। सो आऊं? तो अरे नहीं बाबा, परसों नहीं आना है। मेरी बात सुनो, अब तुम छुट्टी पे रहो 2-3-4 महीने एंड आने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि कोरोना की वजह से यू नो जर्म्स आए एंड तुम रोज अप डाउन करो मेरे घर से, तो वो नहीं चलेगा बाबा। बिकॉज मैंने अपने लिए दूसरी काम वाली बाई ढूंढ ली है जो मेरे घर पे ही रहेगी। सो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है कुछ महीने के लिए। हाँ जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं तुम्हें डेफिनेटली कॉल करूंगी। तुम्हारा तो 4-3 मंथ्स का बेबी है राइट? तुम उसके साथ तो यू नो तुम्हें उसको भी टाइम देना होगा, तो तुम मेरे घर पे नहीं रह सकती। सो मैंने बहुत ही माइंड लगा के दूसरा ढूंढा है। आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प यू। तुम कहीं और पता कर लो जहाँ पे यू नो कुछ घंटे तुम काम कर सको। बट सॉरी इधर नहीं होगा बिकॉज मैं जर्म्स अटैक नहीं जाती एंड मैंने पूरा घर सैनिटाइज कर लिया है एंड वीकली का सैनिटाइज होगा मेरा घर। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट लाइक जर्म्स। मैडम मेरे को काम पे आने दो मैडम, मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? बट कांता दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम ना, कोरोना तो सबके लिए इक्वल है। सो कर लो कुछ मैनेज मैडम, प्लीज समझो मैडम। मैडम मास्क लगा के आ जाऊंगी मैडम, प्लीज मैडम। मैडम
एडवांस सैलरी दे दो मैडम, मैं सारा काम करेगी जब लॉकडाउन खुलेगा, मैं एडवांस काम करेगी मैडम। एडवांस क्यों दूं मैं तुम्हें यार? कम ऑन कांता, प्लीज कोई एडवांस नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने दूसरी काम वाली बाई ढूंढ ली है जो मेरे घर पे ही रहेगी 24 घंटे एंड उसे जाना भी नहीं है। तो तुम सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल डेफिनेटली कॉल यू बाबा आफ्टर द कोरोना गेट्स ओवर। ओके ओ हाँ मैं आ रही हूँ, उन्हें कहूँ कि थोड़ी देर में आती हूँ। ओके बाय बाय, मुझे मेरी मीटिंग में जाना है सो आई कांट टॉक टू यू नाउ, बाय बाय। मालिक आज का काम बता दीजिए, मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ, दूर 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 दूर, आज कोई काम नहीं, आज से काम बंद है। तूने मोदी की न्यूज नहीं सुनी? अरे लॉकडाउन आने वाला है, लॉकडाउन 2-3 महीने का, इसलिए आज से कोई काम नहीं होने वाला है, तो तुम अपने घर चले जाओ। मालिक ऐसा मत करो मालिक, मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं, आज तक की पैसे दे दो आप बस आज। मेरे पैर में क्यों गिर रहे हैं? इसके लिए ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगा, पर मैं घर जाने के लिए मुझे पैसे तो दीजिए, मेरी बीवी भूखी है मालिक। हेलो, यस डॉक्टर, अब मॉम कैसी है? ठीक है डॉक्टर, मैं मेडिसिन कैसे लाऊं, उससे मेरा लॉकडाउन है, मैं नहीं आ सकता हूँ। डॉक्टर कुछ तो हो सकता है, मॉम इतने दिन से एडमिट है, कुछ तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं सर प्लीज। हेलो, अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं। हेलो, हाँ मैं अभी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ यार, जैसे ही कुछ वो बताया मेरे को तो मैं निकलता हूँ। हाँ यार बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है मुझे, सबसे मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तुझे ना कॉल करता हूँ, हाँ जैसा होता है इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ जी हेलो जी, कौन जी? मैं विवेक बात कर रहा हूँ जी, मेरे फादर का नाम है। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हो गया उन्हें? मैं दूसरे शहर में हूँ, मैं अभी, मैं 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, मैं चाहकर भी नहीं आ सकता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आने की जी। तब तक के लिए आप उनका ख्याल रखें प्लीज, मुझे काफी, आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द पहुंचने।